नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी की एग्ज़ाम के लिए मैं प्रीवियस ईयर्स के जीके के कुछ महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों को लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये वही प्रश्न हैं जो 2016 से लेकर 2021 तक की रेलवे की सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अंतर्गत मैं आपको 20 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। प्रत्येक वीडियो में आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी आने वाली परीक्षा एनटीपीसी सीबीटी 2 के सभी लेवल और साथ साथ ग्रुप डी की एग्ज़ाम की भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न हैं जिनके परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? कितने करोड़ रुपए के? 2580 करोड़ रुपए। आग्नेय शैली कहलाती है, क्या कहलाती है? मौलिक शैल। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? किस वंश के शासकों ने दिया था? बंगाल के पाल ने। गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है? कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में। निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंड बने हैं? किसके कारण बने हैं? अवनालिका के द्वारा। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? कितनी दूर? 56 फीट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? उपयुक्त सभी, यानी कि अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 148। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सॉलसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? किसने छीना था? बाजीराव ने। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को। लेगर हेंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्त्राव करते हैं स्थित होते हैं, कहां पर स्थित होते हैं? अग्नाशय में। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? जो चमगादड़ और डॉल्फिन है वो किसका प्रयोग करते हैं? परभक्षियों और या बाधाओं का पता लगाने के लिए किसका करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण। जो प्रतिध्वनि होती है, यानी कि जो ध्वनि निकलती है उससे निर्धारित होता है कि परभक्षी कहाँ बैठा है। भारत का सबसे बड़ा बैंक है, कौन सा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक। लवणता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित सागरों का सही क्रम है? अवरोही क्रम में जमाना है लवणता के आधार पर सागर को। लाल सागर, फिर अंटार्कटिक सागर, उसके बाद काला सागर। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग फोर्ड बैठे थे? किसने फेंका था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। किसने? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। चिली और पेरू के तट से दूर शीतलज के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? हम्बोल्ट धारा। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? जो भारत में हरित क्रांति हुई थी उसका जो सर्वाधिक प्रभाव था वो कौन सी फसल पर पड़ा था? कौन सी फसल पर? गेहूं की फसल पर।
लोकतंत्र के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? अध्यक्ष करता है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, कैसी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। किससे? 20 हर्ट्ज से कम। सबसे विषैला सर्प है, सबसे विषैला कौन सा सर्प है? करेत। कौन सा? करेत। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? शेरशाह ने। निम्नलिखित में कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? कौन सा खनिज तेल स्थित नहीं है? बदरपुर। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? किसको कहते हैं? संवृत्त या बंद अर्थव्यवस्था, संवृत्त एवं बंद अर्थव्यवस्था। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है, जबकि दूर जाने वाली रेल के लिए यह घटती है। यह घटना का उदाहरण है, यानी कि अगर रेलगाड़ी हमारे पास आती है तो वास्तविक है कि उसकी आवाज़ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे रेलगाड़ी क्या होती जाती है? दूर होती जाती है, तो उसकी आवाज़ क्या हो जाती है? कम होती जाती है। यह जो घटना घटित होती है, ये किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? ये डॉपलर प्रभाव का। किसका? डॉपलर प्रभाव का। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य को प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? जो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? कौन से राज्य की? ओडिशा की। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था, कौन थे? कोषाध्यक्ष। इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक होता है वह होता है, कैसा होता है? पॉली इथिलीन। कैसा होता है? पॉली इथिलीन। किस वैज्ञानिक ने वाई किरणों की खोज की? किस वैज्ञानिक ने की थी? रदरफोल्ड ने। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? कौन होता है? नियम समिति का। निम्नलिखित में कौन सा देश मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा प्रदेश नहीं आता है? कीनिया। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा, कितना होगा? 5 रुपये। अगर 10 घंटे चलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है, कौन करता है? संविधान। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सिस लूनर के नाम से। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष निम्न में से किसे चुन लिया गया है? किसे चुन लिया गया है? जेपी नड्डा को। मिताक्षरा की विषम वस्तु है, क्या है? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? चंदबर दाई ने। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है? संविधान। लेजर का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? TH मेमन ने। किसने? TH मेमन ने। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में जो सिंह भूमि है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था, इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? जो चौथा जो होता था हिस्सा, वो मुगल क्षेत्रों की भूमि और पड़ोसी राज्यों की आय का जो चौथा हिस्सा होता था, इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला था? कौन वसूलते थे इनको? मराठा वंश।
अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? कितनी अवधि तक? 6 महीने तक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? किससे? बृहस्पति। शुष्क सेल में निम्न में से किसका विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग होता है? किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है कौन है? बंदर। भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? कौन करते हैं? लोक लेखा समिति। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? स्वामी विवेकानंद जो थे उनका मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। खानदेश राज्य का संस्थापक था कौन थे? मलिक राजा फारूकी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।